गया, ये तो उन लोगों को बताते समय बना के दिया था, ये सिलेक्ट वाला टोटल कोड है, ठीक है। यहाँ पे इतना गया ना, अब डिलीट वाला कोड हमें लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके डिलीट करूँ या फिर यहाँ पे एक बटन ले लूँ, यहाँ पे बटन को डिलीट सेलेक्ट करके बटन पे क्लिक मारे तो डिलीट हो, राइट क्लिक वाला बताऊँ? दोनों बताऊँ? ठीक है, खड़े रहे थोड़ी देर, कहाँ फर्क पड़ता है मेरे, मैं तो बैठे मोबाइल साइलेंट वरना समझदार हो गए। डिलीट क्लास का डिलीट सर, ये तो ही उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। डिलीट डिलीट हो गए सर, अरे कुछ हो काम तो वही करेगा जो हम, इन अंग्रेजों को अब अंग्रेजी भाषा बनाना नहीं आया तो उटपटान बना दिया, तो अब डिलीट कहो या डिलीट कहो, ये है मेनू स्ट्रिप, ठीक है। राइट क्लिक वाला मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इस पे मैं मारता हूँ डबल क्लिक, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे रन कर ले पहले एडमिन, ये देखो अभी यहाँ पे एक ही सिलेक्ट हो रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लिक मारूं और टोटल सेलेक्ट हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक मारूं तो कैसे होगा, बहुत आसान, प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है सबको, नहीं दे रहा है सेल बटन स्टाइल, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी था, क्या प्रॉपर्टी था मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ सब भाग गया, इतना जिगर चाहिए यहाँ पे खड़ा होकर समझ में, फुल रो सिलेक्टेड, ठीक, प्रॉपर्टी ये, ठीक है। अब मैं रन करूँ ना तो क्या होगा आप देखना, टोटल सिलेक्टेड है ना, चलिए जब सिलेक्टेड है तो अब मैं यहाँ से कोड लिखना ही स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कनेक्शन बना लेता हूँ, तो कनेक्शन यहाँ पे बना बनाया है, ठीक है, मैं दोबारा नहीं बनाऊँगा, ठीक है। इस लाइन को मैं ग्लोबल बना लूँ क्या, ऊपर यहाँ पे नहीं बनाऊंगा मैं, कैसे बनाएं सर, हम लोग भी जानेंगे तब ना। अच्छा, जिंदगी बीत के कनेक्शन बनाते बनाते और कैसे बनाएं, जैसा रिकॉर्ड है तो बड़ा अच्छे से होना, हाँ तो अच्छे से बनाएंगे, पहले से और दूसरे वाले नहीं। ये देख लो कनेक्शन बन गया, ठीक है। अब क्या करने का हमको, तो फिर मैं बीम सी एम डी एज न्यू, ठीक है, इस कोड को मैं मोड़ देता हूँ, मैंने फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या कर लें, ओ एल ई डी बी कमांड, ठीक है। कमांड को क्या चाहिए, कमांड चाहिए, यहाँ कमांड दे देंगे, फिर कॉमा, फिर क्या चाहिए इसको, कनेक्शन चाहिए, ठीक है, कनेक्शन दे दिया, इंटर, ठीक है। मैं यूजिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है, ये ज़्यादा प्रोफेशनल माना जाता है, ठीक है, इंटर, ठीक। यहाँ पे भी मैं यूजिंग कर लेता हूँ, इस यूजिंग को मैं निकाल लेता हूँ इधर, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है और कुछ नहीं, ठीक है, ऐसे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, सी एम, मैं पहले क्वेरी यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखूँगा, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है मुझे याद नहीं है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ स्टूडेंट से टेबल का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक, स्टूडेंट्स कर दिया, ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये कोड लिखूंगा तो सारा रिकॉर्ड डिलीट करेगा, पर मुझे पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है ना, तो वेयर फिर आई डी इक्वल टू एट द रेट आई, ठीक, आई क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, आई डी जरूरी नहीं कि आप आई डी लिखो, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आप सम कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये जस्ट वेरिएबल से है, ठीक है। यहाँ पे आया, एंटर मारा, फिर सी एम डी डॉट डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विथ वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा, ये अब क्या बोल रहा है, पैरामीटर नेम एज स्ट्रिंग, नेम में पैरामीटर दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने लिखा ना, यही यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, एट द रेट ऐसे, ठीक है, फिर कॉमा, ठीक है, फिर यहाँ पे अब क्या कर लेंगे हम, वैल्यू मांग रहा है कहाँ से आएगा, ठीक है, तो मैं बताता हूँ वैल्यू कहाँ से आएगा, ठीक है, डीम आई एज
integer, ठीक है, i as integer ले लिया मैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू रहेगा उसको डिलीट करना है, ठीक है। तो हमें कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो मैं इसको पहले मारता हूँ कमेंट, इसको भी कमेंट, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड सिलेक्टेड है, राइट, तो मुझे इस आईडी के आधार पर डिलीट करना है, ठीक है, जिस स्टूडेंट का आईडी यहाँ से जो मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊँ तो क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एमएसजी करता हूँ, ठीक है, एमएसजी बॉक्स, फिर इसको मैं करता हूँ नीचे, ठीक है, कंफ्यूजन होगा तो बताना, फिर उस आईडी को उठाता हूँ मैं ग्रिड व्यू से, ठीक है, डेटा ग्रिड व्यू वन डॉट सिलेक्टेड रो, और भी तरीके हैं, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सिलेक्टेड रो वाला, ठीक है, ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है, जीरो फिर डॉट सेल, नहीं डॉट सिलेक्टेड नहीं, डॉट सिलेक्टेड रो डॉट एस ई सेल, कौन सा सेल होना चाहिए, तो जीरो सेल होना चाहिए, ठीक है, मतलब आई डी जीरो नंबर पर आई डी है ना, तो इसलिए आई डी ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे सी सार पे, ठीक है, ठीक, डॉट वैल्यू ले लिया मैं वैल्यू, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, इस आई में, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ऐसे इसको यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, राइट, अब आप देखना क्या इसमें आएगा, ठीक है। उससे पहले मेरा डेटाबेस कौन सा है, माई लिबी, ये वाला मेरा डेटाबेस, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे और कुछ रिकॉर्ड डाल देता हूँ, कुछ भी, ठीक है, सेव कर दिया, ठीक है, अब रन करता हूँ, ठीक है, रन कर दिया, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट बटन पे क्लिक मारा तो बोल रहा है आईडी नंबर थर्ड, ठीक है, इस पर मैं क्लिक मारा नीचे वाले पे, ठीक है, तो आ रहा है आईडी नंबर फोर, इस पर सेलेक्ट करके इस पर कर रहा हूँ तो आ रहा है सेकेंड, इस पर कर रहा हूँ तो आ रहा है सातवां, क्या सर, हाँ सर, नहीं सर, नहीं हुआ, नहीं हुआ सर, एक आध बार फिर से ट्राई करें क्या सर, नहीं करेंगे, ठीक है सर, देखते हैं थोड़े से देर, ठीक है। तो आईडी यहाँ से गेट कर लिया मैं, ठीक है, अब मैं इस आईडी के आधार पे क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा, ठीक है, कैसे, बहुत आसान, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे दे दिया आई ऐसे, ठीक, अब यहाँ पे आ गया मैं, हो गया, अब सी एम डी, ठीक है, डॉट यहाँ पे क्या कर लूँगा मैं, एग्जीक्यूट नन क्वेरी, राइट, हो गया, यहाँ पे सब कुछ डिलीट हो गया, ठीक है, ये कोड लिखूँगा तो अब डिलीट हो गया, ठीक है, ये आया आईडी नंबर थर्ड, डिलीट हो गया, एरर कुछ आया क्या, अच्छा कनेक्शन मैंने ओपन नहीं किया, ओपन तो करने पड़ेंगे ना, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एग्जीक्यूट होने से पहले, सी एम डी डॉट ओपन, ठीक, क्लोज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, सी एम डी थोड़ी ना ओपन, कनेक्शन ओपन, ठीक है, हो गया कनेक्शन ओपन, यहाँ पे आया, फोर्थ को डिलीट मारूँ, डिलीट हो गया, ठीक है, क्लोज करके फिर से ओपन किया तो फोर्थ आप देखना नहीं, नहीं है ना, लेकिन दिखाया क्यों नहीं, तो डिलीट तो हो गया पर डेटा ग्रिड व्यू में जो पहले से डेटा था वही आ रहा है, ठीक है, तो फिर से मुझे डेटा लोड करना पड़ेगा ना, तो डेटा मैं लोड कर दूंगा कैसे, बहुत आसान, यहाँ पे आ जाता हूँ और क्या कर दूँ, इस वाले को लाइन को मैं लिख दूंगा, ठीक है, कॉपी मारा, यहाँ पे आया पेस्ट मारा, ठीक है, क्लियर, अब यहाँ पे आया मैं पाँचवें नंबर रिकॉर्ड पे आया, डिलीट हो गया डिलीट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर गलती से भी अगर क्लिक हो गया तो डिलीट हो जाएगा, राइट, इसको सॉल्व कैसे करें, तो मैसेज बॉक्स में, ठीक है, तो इसलिए कंफर्म बॉक्स हम ले लेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे कंफर्म बॉक्स, तो डिलीट हो गया, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, जैसे ही क्लिक होता है, ठीक है, तो मैसेज बॉक्स में शो कराता हूँ, ठीक है, मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक, शो में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूँ डू,
नीचे टाइप करो। कट किया है इसको और आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिलीट दिस रिकॉर्ड, ठीक है। अब सेंटेंस होगा गलत वाला तो आप देख लेना क्या। अब ये क्या बोल रहा है कैप्शन की मैसेज बॉक्स में, वो क्या आना चाहिए कैप्शन, ठीक है। तो कैप्शन में मैं दे देता हूँ डिलीट, ठीक है। ये भी डबल कोट में ही रहेगा, डिलीट बटन नहीं है, सिर्फ डिलीट में रहेगा, ठीक है। फिर कॉमा, अब क्या कह रहे हैं मैसेज बॉक्स में कौन कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, मैं दे रहा हूँ यस या नो का बटन रहेगा, ठीक है। फिर कॉमा पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क मैं ले लूँगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये कर लिया, ठीक। अब इसका रिजल्ट मुझे स्टोर करना होगा, ठीक है। जैसे मैं इन सारे कोड को, ठीक है, अभी कमेंट मार दूँ, ठीक है। जैसे मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे इस पे आया मैसेज बॉक्स आ रहा है, अगर इस पे क्लिक करे तो डिलीट हो, नो पे क्लिक करे तो डिलीट ना हो, ठीक है। तो इसके लिए तो मुझे जानना पड़ेगा ना कि क्लिक किस पे किए हैं, ठीक। तो कैसे जानूंगा, बहुत आसान है। एक वेरिएबल बना लेते हैं डीम आर ई एज डायलॉग रिजल्ट, ठीक, इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट में मैं ये स्टोर कर लूँगा इसको, ठीक है। अब फिर कंडीशन लगा लूँगा, ठीक, इफ आर ई इक्वल टू यस, ठीक है। अगर आर ई इक्वल टू एस अगर है तो क्या करो, तब डिलीट कर दो, ठीक है, अन्यथा क्या करो, डिलीट मत करो, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, एक मेथड में बना देता हूँ, ठीक है, फंक्शंस बना देता हूँ इसका, कट कर देता हूँ इसको यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे कॉल कर देता हूँ डिलीट रिकॉर्ड ऐसे, ठीक है। इसमें जाते हैं वन, ठीक है, मैं सीधा इसी को जनरेट कर देता हूँ फंक्शन, ठीक है, जनरेट कर दिया फंक्शन, ठीक है, पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना कि ये वाला लाइन जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, और मैं इसको यहाँ से देता हूँ, मैं मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो रिकॉर्ड जाएगा, ठीक है, वो डिलीट करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं P1 जो है ना यहाँ पे कर दूंगा ID एज इंटीजर, ठीक है। और ये वाला ID कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला ID आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब कंफर्म पे क्लिक करेगा, ठीक है, तब जो है डिलीट होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक। इसमें कोई दिक्कत है तो आप बताओ, नहीं है दिक्कत, रन कर देता हूँ, यहाँ पे आया डिलीट, नो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, यस किया पार हो गया हुआ, ठीक है। तो दिक्कत इसको आप चाहो तो यहाँ कर लो कि डिलीट होता है रिकॉर्ड तभी डेटा ग्रिड व्यू में फिर से लाए रिकॉर्ड, नहीं तो मतलब, ठीक, आपको दिक्कत है तो बताओ। समझ भी नहीं आया क्या लॉजिक है, एक बार इसी को समझाइए ना सर। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैसेज शो करा रहा हूँ, ठीक है, कंफर्म का, कंफर्म में अगर एस पे क्लिक किया, ठीक है, तो मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि जो मैसेज का रिजल्ट आएगा वो आर ई नाम के वेरिएबल्स में स्टोर होगा ना, ठीक। फिर आर ई इक्वल टू कर रहा हूँ डायलॉग रिजल्ट एस, अगर एस पे क्लिक किया है तो क्या करो, डिलीट करो, अन्यथा कुछ मत करो, ठीक है। तो ये वाला लाइन से क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, ग्रिड व्यू से डेटा उठा रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको स्टोर कर रहा हूँ मैं आई नाम के वेरिएबल्स में, फिर वही आई नाम के वेरिएबल में जो डेटा आ रहा है, ठीक है, वो डिलीट रिकॉर्ड सब रूटिंग को मैं पास कर रहा हूँ, जो यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ये रिकॉर्ड यहाँ पे दे रहा है और ये डिलीट कर दे रहा है, ठीक है। ये क्या क्या हूँ, मैं कनेक्शन बनाया हूँ फिर से, फिर ये कमांड को दे दिया हूँ ये कंस्ट्रक्टर में, ठीक है, ये पास कर दिया यहाँ पे, इसको दे दिया कनेक्शन, फिर ये कनेक्शन ओपन किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है तो डेटा डिलीट हो जा रहा है, डिलीट होने के बाद फिर से आ जाएगा यहाँ पे, और फिर ये लाइन जब चलेगा ना तो डेटाबेस से फिर से डेटा उठाएगा और दे देगा ग्रिड व्यू कंट्रोल को, ठीक। अब कोई दिक्कत तो बताओ, नहीं है दिक्कत, नहीं है ना दिक्कत, नहीं है, पता है। कनेक्शन वाला नहीं, कंटेस्ट मेनू वाला ना, तो यहाँ पे आओ, कंटेस्ट मेनू पकड़ के खींच के ले लाया, ठीक है। अब यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट, ठीक है,
डिलीट कर दिया, ठीक है। अब इस कॉन्टेक्स्ट मेनू को इससे मैं जोड़ता हूँ, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टी में आता हूँ, कॉन्टेक्स्ट मेनू यहाँ पे है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मेनू प्रॉपर्टी इधर ही मैं छोड़ा, कॉन्टेक्स्ट मेनू में आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया, ठीक। अब क्या होगा, मैं रिकॉर्ड को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा तो शो हो रहा है, हो रहा है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा, इस पे करता हूँ डबल क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे भी काम सेम ही हो रहा है ना डिलीट का, तो मैं इसी कोड को पूरा, ठीक है, यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, ऐसे। या फिर मैं इसको भी एक फंक्शन में बना सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे फंक्शन बनाया ना, आप भी फंक्शन बना लेना, बन जाएगा फंक्शन जी, मैं ही बता दूँ, बन जाएगा ना। इसी की जो ये बना है, इसी की जैसा ये फंक्शन बनाया ना जैसे, वैसे इसमें भी आप सब रूटीन बना लो आप, ठीक है, बन जाएगा ना, बना दूँ, बना दीजिए, मैं ही बनाऊँ सब कुछ। अब बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। डिलीट सब, एंटर, ठीक, पेस्ट कर दिया। इसी को कॉपी में मारता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा ऐसे, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, इस डिलीट बटन पे आकर के पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप कोड देख लो आप ऐसा, ठीक है, ये सब रूटीन कॉल होगा तो आएगा यहाँ पे, और ये सब रूटीन यहाँ से कॉल होगा तो आ जाएगा यहाँ पे और डिलीट कर देगा सब कुछ, ठीक। अब मैं आपको दिखा दूँ एक बार फिर से, देख लो, डिलीट नो किया, कुछ नहीं हुआ, डिलीट यस किया, डिलीट हो गया, ये किया, यहाँ से भी डिलीट हो गया, ठीक है जी। इसमें तो प्रॉब्लम भी होगा, अभी इसको मैं डिलीट मारता हूँ, ठीक है, जो प्रॉब्लम है वो भी दिखाई दे, डिलीट कर दिया। अब इसमें राइट क्लिक करूँगा ना तो डिलीट में तो एरर आएगा, अभी देख लेना, ठीक है, चलो कर दिया, यस एरर आता आ गया एरर, ठीक। हाँ सर, ठीक है सर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट मेनू कहाँ पे है, ये वाला है, राइट, इफ डीटी, अच्छा बाद में इसको मैं कभी बता दूंगा, ठीक है जी।